विजुअल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजोल। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है उत्तराखंड से। आखिरकार उत्तराखंड को 5 सालों के भीतर तीसरा मुख्यमंत्री मिल गया है। जी हां, बड़ी जानकारी इस वक्त की, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि कल तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा सौंप दिया था और आखिरकार करीब 20 मिनट इस बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी जो कि एक युवा चेहरा है वो उत्तराखंड के तीसरे और नए सीएम होंगे। 5 साल अभी बीजेपी ने पूरे नहीं किए लेकिन उससे पहले 3 सीएम के चेहरे सामने आ चुके हैं। सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की कमान संभालने जा रहे हैं। लेकिन सवाल जनता के मन में ये है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या वजह है, क्या बीजेपी जमीन तलाशती तलाशती खुद खोती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड से मिल रही है। विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया है, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है। तो उत्तराखंड में बीजेपी के उम्मीदवार भी जल्द ही अब उनके नाम शामिल हो जाएंगे और सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 2 जुलाई को सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर देहरादून में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक की गई थी, जिसमें मंत्री धन सिंह रावत, मदन कौशिक, परवेश नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक पुष्कर सिंह धामी, ये तमाम नाम सामने आ रहे थे। लेकिन